हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कुछ नया में, दिस इज अमरी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड फोन क्यों बेस्ट है आईफोन से। तो बिना किसी देरी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम एंड्रॉयड फोन और iOS के प्राइस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यार, जो एंड्रॉयड फोन है वो हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारा आईफोन है वो जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। तो इसके लिए हमको एंड्रॉयड फोन के अंदर काफी फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम अगर इसके चार्जर की बात करें तो जो आईफोन के साथ हमको चार्जर मिलता है वो हमको 18 वोल्ट यानी कि 18 वोल्ट का मिल जाता है, लेकिन यही अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, कुछ समय पहले ही शाओमी ने एक फोन निकाला है जिसका मॉडल है 11T Pro, उसके साथ आपको 120 वोल्ट का चार्जर मिलता है, यानी कि उसकी जो पावर है वो आईफोन से कई गुना ज्यादा है, यानी कि वो फास्ट चार्ज करता है आपके फोन को। तो अगर हम अगली पॉइंट की बात करते हैं वो है कि अगर आपको कोई भी ऐप अपने एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिल रही है तो आप सिंपली उसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। अगर आप आईफोन से कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम से या कहीं और से, तो आपको फोन को जेल ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो काफी लंबा प्रोसीजर है। और यही अगर हम इसकी बात करें, इसकी शेयरिंग की बात करें, तो हम एंड्रॉयड फोन के अंदर अपनी APK शेयर कर सकते हैं या कुछ और भी शेयर कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं शेयर करने के लिए। हमको फोन के अंदर भी ऑप्शन दी जाती है शेयरिंग की, जैसे कि हमको अगर आपके पास ओप्पो का फोन है या रियलमी का फोन है या MI का फोन है, आपको ऑप्शन दी जाएगी MI शेयर ओप्पो शेयर, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ऑप्शन दी जाएगी नियर बाय शेयर की। लेकिन हम अगर आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन के अंदर आपको सिर्फ एयर ड्रॉप की ही ऑप्शन मिलेगी और आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते शेयरिंग के लिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, आजकल के जो फोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड फोन के साथ, अगर आप फोन कोई भी लो, जितना नया मॉडल होगा उसके अंदर आपको ईयरफोन जैक जरूर मिलेगा, लेकिन यही अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन के अंदर आपको ईयरफोन यानी कि हेडफोन का जैक नहीं मिलेगा। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, आपको म्यूजिक सुनना है, बट अगर आपके पास आईफोन है तो आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे ईयरबड्स के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप सिंपली ₹50 के ईयरफोन से भी अपने म्यूजिक को सुन सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमको आईफोन के अंदर काफी लिमिटेड हमको एप्स दी जाती हैं इसके ऐप स्टोर के अंदर जो कि फ्री है, वरना सभी पेड हैं। लेकिन अगर हम प्ले स्टोर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी कम एप्स दी जाती हैं पेड के। अगर आप उन पेड को आप फ्री में चाहते हैं तो आप सिंपली उसको क्रैक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। और हाँ, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा माना जाता है आईफोन की। आईफोन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा तकड़ी है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के जो नए एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं उनके अंदर आपको सिक्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल दिया जाता है। जैसे कि हम हाल ही में ही बात करते हैं, हाल ही में जो सैमसंग ने S10 प्लस निकाला है उसके अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। तो अगर हम ऐसे फीचर्स बताएं तो ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं एंड्रॉयड फोन में, लेकिन सबसे मेन जो बात आती है वो ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो हमको आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम एंड्रॉयड फोन ले लेते हैं। बाकी एंड्रॉयड फोन में भी बहुत सारे फीचर्स नए नए आ रहे हैं, जैसे उनका कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है, बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके पास आईफोन है कि आपके पास एंड्रॉयड फोन है। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।